देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिन अंकों के इकाई में 5 होता है उनका स्क्वायर बहुत आसानी से कैसे ज्ञात करें। तो देखिए, स्क्वायर निकालना है, चाहे वो हाई स्कूल का एग्जाम हो, चाहे 5 का एग्जाम हो, चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, स्क्वायर हमें बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि जितना जल्दी कैलकुलेशन हम करेंगे उतना समय हमारा बचेगा। तो ज्यादा मुद्दे की बात न करते हुए मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। देखिए, स्क्वायर ट्रिक है, इसके द्वारा हम तुरंत कम समय बचाते हुए इसका वर्ग ज्ञात करेंगे। देखिए, 5 का सर्वप्रथम हम जानते हैं कि 5 का कितना होता है, 25 होता है, हमें बताया है, ठीक है। अब 15 का कैसे निकालेंगे? वैसे तो 15 आसान है, लेकिन 15 का निकालने के लिए देखिए, 5 का 25, 1 के बाद कौन सा अंक आता है, 2 आता है, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो 15 का 225। ऐसे ही 25 का, जैसे हमें पता है कि 5 का 25 होता है, 2 के बाद की अंक क्या आती है, 3 आती है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 2 3 6, यानी कि 625, 5 का 25 का स्क्वायर हो गया। ऐसे 35 का, 5 का कितना हो गया, 25 आप लोग जानते हैं, और 3 के बाद कौन सा अंक आता है, 4 आता है, 4 3 या 3 4 का कितना होता है, 12 होता है, 12 25 हो गया। ऐसी 45 का, 5 का हम जानते हैं 25, 4 के बाद कौन सा अंक आता है, 5 आता है, तो 4 5 20 होता है। ऐसे ही 55 का कैसे निकालेंगे, 55 का 25 हो गया, ये 5 का, ये 5 के बाद 6 आता है, तो 5 6 30, ये हम जान निकाल लेंगे आसानी से, इतना आसान है दोस्तों। ये देखिए, 5 का कितना होता है, 25 आप जानते हैं, 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है, 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आता है, 4 2 25। तो ये बाकी हुए बचे हुए आप करेंगे, और इसका देखिए, इसका कितना होता है, 25 हो गया, 10 के बाद क्या आता है, 11 आता है, तो अब 10 11 जा नहीं आता, तो 11 10 जा कीजिए, 110, तो ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर निकल गया। अब एग्जाम में आप लोग सोचेंगे कि एग्जाम में अगर सर 63 का आ गया, या 65 का, या 67 का आ गया, तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप जानते हैं, माना 53 का आया है एग्जाम में, 53 का आया है, तो 53 का कैसे निकालेंगे, देखो 53 का मैं बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप जानते हैं कितना 50 का जानते हैं, आप 50 का जानते हैं, प्लस आप 55 का जानते हैं, 50 का आप जानते हैं इतना होता है, 2500 होता है, और 55 का भी आपने निकाला था कितना, 3025, यानी कि 3025 होता है। अब इसके बीच के अगर अंक है, इसका स्क्वायर निकालना है, इसके सॉरी स्क्वायर रूट निकालना है, इसके बीच का कहीं पे कोई अंक आया हुआ है तो आप देखेंगे कि क्या आया है उसके बीच का। अब इसके बीच में क्या क्या हो सकते हैं, ये 1 2 3 4 हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि ये दोनों इनके बीच में संख्याएं हैं। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है। अब जिसका भी जो जिसका स्क्वायर रूट निकालना होगा, उसके इकाई का अंक देखेंगे कि क्या है, उसके इकाई का अंक अगर 16 होगा तो, या 6 या 16, 6 भी हो सकता है, उसको भी चेक कर सकते हैं आप, 16 होगा तो 4, यानी कि हम बोल देंगे 54 का है, अगर 9 होगा तो हम बहुत सीधे सीधे बोल सकते हैं 53 का है, अगर 4 होगा तो हम कह सकते हैं 52 का है। तो ये बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार की ट्रिक के लिए आप निरंतर बने रहिए, अगले ट्रिक के साथ जल्द ही हाजिर होऊंगा। उम्मीद करता हूं ये जो स्क्वायर निकालने की ट्रिक है वो बहुत आसानी से आपको समझ आ गई होगी।